अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे मिजाज हैं? ठीक ठाक हैं आप रेहान भाई? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है। ये फर्स्ट टाइम है मैंने ये लाइव यूज किया है, फेसबुक लाइव, तो अल्लाह का शुक्र है काम कर गया। जी मैं ये देख रहा था कि आप सबके पास जा रहे हैं और किसी को बुला नहीं रहे, तो आपको सिखाना था, तो मैंने कहा मैं खुद ही मुर्गा बन जाता हूँ। नहीं नहीं बहुत अच्छा किया आपने, देखिए ना इस बहाने मुझे पता चल गया कैसे बुलाने लोगों को, कैसे इनवाइट करना है, तो लर्निंग नेवर एंड्स है जी। आज ये चीज भी सीख ली अल्हम्दुलिल्लाह। जी बिल्कुल जी। अच्छा और मेरा एक सवाल था आपके लिए, आपके पास पता नहीं कोई है नहीं है, वो ये कि कल मैं आपका अली मोहसिन के साथ वीडियो देख रहा था, तो जी। वो काफी कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह से आपसे कहलवा दें कि कुछ खराबी है दुनिया में, लेकिन आपने ये जो लिवर ट्रांसप्लांट करवाया है, ये कहाँ के कैनेडियन का था या किसका था जिसने आपको ऐसा जिगरा दिया है कि अब आप आराम से हर चीज को हैंडल कर लेते हैं? हाँ ये जिगरे का कमाल है साहब, ये बिल्कुल, ये देखिए पहले जो जिगरा था मेरा वो कमजोर था, वो तो वो चीजें ये बर्दाश्त नहीं कर सकता था, वो तो फौरन ही जो है वो गिव अप कर देता था, लेकिन ये जिगरा जो है वो किसी कैनेडियन का मिला है और वो जो है माशाल्लाह इसने बड़ा एक एक चेंज लाइफ के अंदर मेरी आई है, आप यकीन कीजिए। इसके बाद जो ये दोबारा जिंदगी अल्लाह ताला ने अता की है रेहान भाई, इससे ये जो नियर डेथ एक्सपीरियंस हुआ है तो माय माइंड हैज कम्प्लीटली चेंज्ड, और इसका जो है वो मैं कहूँगा क्रेडिट, मैं तो बेड पे पड़ा हुआ था बिल्कुल, यानी हिलने जुलने के काबिल नहीं था, बिस्तर से उतरना मेरे लिए महाल था, ये सूरत हाल थी। यहाँ तो सर्जरी करके, और ये कोई 8 घंटे की सर्जरी होती है रेहान भाई, और अल्लाह का शुक्र है कि इतने अच्छे मुझे माहिर सर्जन मिले, सीनियर मोस्ट सर्जन मिला, और उसने 4 घंटे के अंदर करके मुकम्मल कर दिया। जब वो बाहर निकल के आया तो बच्चे परेशान हो गए, वो बेटियां बैठी हुई थी, बेटे बैठे हुए थे, वो परेशान हो गए कि जी क्या हुआ, खैरियत तो है, ये जल्दी क्यों आ गया बाहर? तो उसने कहा जी हो गया सब कुछ सक्सेसफुल अल्हम्दुलिल्लाह, एंड द न्यू लिवर हैज स्टार्टेड वर्किंग, और उसने ब्लड बनाना शुरू कर दिया, सुभान अल्लाह, लेके आईसीयू में आ गए मुझे। तो दे केप्ट मी फॉर लाइक 10 डेज ओनली। अब इतनी मेजर सर्जरी के बाद 10 दिन सिर्फ अस्पताल में रखा, उसके बाद घर आ गया। अब घर में रिकवरी हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह, एंड माशाल्लाह इट्स गुड। हफ्ते में 2 दफा ब्लड टेस्ट होता है, 1 दफा हॉस्पिटल जाना होता है, उनके साथ रहता रहता है, डॉक्टर्स चेक करते रहते हैं टाइम टू टाइम, दवाइयाँ ऊपर नीचे हो रही हैं, वो सब कुछ हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन यह है कि ये जब मैं बेड पर पड़ा हुआ था तो सिद्दीक साहब हैं, मोहम्मद सिद्दीक साहब हमारे दोस्त अटलांटा में हैं, GSC फाउंडेशन रन करते हैं, आप जानते हैं उनका, आपके दोस्त भी हैं, वो यहाँ आए मुझे पूछने के लिए। तो कार्ला आई एम सॉरी, वी आर टॉकिंग इन उर्दू, सॉरी अबाउट दैट, आई होप यू कैन गेट जिस्ट ऑफ इट, बट थैंक यू सो मच फॉर हॉपिंग ऑन, आई रियली अप्रिशिएट दैट, एंड आई विल ट्राई टू कम बैक इन इंग्लिश एज वेल व्हेन द टाइम कम्स। But thank you very much for being with us, and Mufti Zubair Sahab, thank you so much for being with us. तो सिद्दीक ने मुझे ये कहा कि यार, मैं उनसे पूछता रहता था, वो ये अपनी GSC फाउंडेशन रन कर रहे हैं काफी अरसे से, तो मैंने पूछा उनसे, मैंने कहा यार वो कैसे चल रहा है तुम्हारा चैरिटी वर्क? कहने यार अल्हम्दुलिल्लाह ठीक चल रहा है। तो उन्होंने कहा कि यार वाई डोंट यू यू कम ऑन सोशल, और तुम आकर के कुछ काम करो, बेड पे पड़े हो तुम, वाई डोंट यू हेल्प आउट? मैंने कहा ठीक है कहते हैं। तो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड, एंड दिस इज लाइक 2 वीक्स अगो, आई एम फेयरली न्यू। फेसबुक में मैं यूजर था, एक नॉर्मल जो एक यूजर होता है, रेगुलर यूजर को बहुत ज्यादा मुझे वो टैगिंग और ये और वो कुछ चीजें नहीं आती थी। तो खैर वो फिर जूम भी उन्होंने इंस्टॉल करके दिया, और बी लाइव भी करके दिया, और फेसबुक पे भी कनेक्ट कर दिया, और ये वो ब्लॉग लिखना मैंने शुरू कर दिया, साइट बना दी, और ये सारा कुछ हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिला, उसमें मैंने अपना वो लाइफ का एक्सपीरियंस दिया कि जी मुझे क्या हुआ कैसे हुआ, वो बड़ा इंस्पायरिंग वीडियो था माशाल्लाह, उन्होंने इंटरव्यू किया सिद्दीक ने, तो इट वेंट लाइव, और बड़े बड़े लोग जिनसे 20-20 साल से मुलाकात नहीं हुई रेहान भाई, उन लोगों ने मुझे फोन करके कहा भाई यार क्या हो गया भाई तुम्हें, कैसे हो, क्या हो, क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो, अच्छा बड़ा अच्छा कर रहे हो, बड़े लोगों को इंस्पिरेशन मिली उससे। तो दिस इज हाउ आई गॉट इन्वॉल्व। मैंने कहा नहीं यार ये इस वक्त जरूरत है, बेड पे पड़े होने से कुछ नहीं होगा, टीवी देखने से कुछ नहीं होगा, ठीक है जी, नेटफ्लिक्स देख लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, नमाज आई नमाज पढ़ ली, ठीक है जी, कुरान पढ़ लिया, दैट्स अबाउट इट,
फिर बाकी टाइम पे क्या करेगा आदमी, छत को टकराया पड़ा हुआ, उससे तो रिकवरी नहीं होती। तो ये जब से मैं सोशल हुआ, आप यकीन कीजिए, मेरे लिफ्ट चेयर लगी हुई है घर में रेहान भाई, मैं उससे उतरता चढ़ता था नीचे, स्टेयर्स बिल्कुल यूज नहीं करता था। ये शुरू करने के बाद में इतनी अल्लाह ताला ने एनर्जी दी कि अब मैं खुद नीचे जाता हूँ, खुद आता हूँ, दिन में दो दो तीन तीन बार जा रहा हूँ आ रहा हूँ। और आज मैं गाड़ी भी कल मैं गाड़ी भी लेकर के गया थोड़ी दूर, इतने अरसे के बाद, यानी कोई मैं समझता हूँ कि 6-8 महीने के बाद मैंने गाड़ी निकाली। तो अल्हम्दुलिल्लाह, दिस इज गुड। तो ये बिल्कुल जिगरे का कमाल है, अल्लाह ताला ने ये सआदत अता की है कि मैं किसी तरह भी अपने जो बच्चे हैं हमारे, जो जो नई पौध है, जो लोग आ रहे हैं जिन्होंने आगे चल के मुल्क को संभालना है और उसको सरसब्ज पाकिस्तान बनाना है, उनकी मैं किसी तरह भी खिदमत कर सकूं, तो मेरे लिए बड़ा एहसास होगा ये। चलें, थैंक यू एंड थैंक यू टू हू एवर डोनेटेड द लिवर टू यू, कि आपको एक नई जान एब्सोल्युटली भी दी और नया जोश और खरोश भी दिया, और सिद्दीक भाई का भी कि उन्होंने आपके को एक के कैस करा और खड़ा कर दिया अपने पैरों पे. एंड उनकी तो एनर्जी अजीब है, बहुत ज़्यादा ताकत है उनमें, पता नहीं कहाँ से आलाते हैं और क्या खिलाती हैं भाभी घोल के, मुझे पता नहीं चला अभी तक. पूछना पड़ेगा, ये पूछना पड़ेगा उनसे, नो मैं गया डाउट था अबाउट उनके दैट। घर पे, खाना भी खाया था, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ा कुछ ज्यादा. वही, मैं तो ढीला ढाला आदमी हूँ, ढीला ढाला ही रहा हूँ. नहीं, आप मैं देख रहा था आपके इंटरव्यू आज रेहान भाई, और ये मुंह पे तारीफ करने वाली बात नहीं है, मैं बिल्कुल खरा सीधा आदमी हूँ, मैं बिल्कुल सीधी सीधी बात करता हूँ। आपका जो स्टाइल है ना, वो बड़ा सूदिंग और कामिंग स्टाइल है, बिल्कुल रेगुलर उसमें बात कर रहे हैं आप। वो जो जो साहब बेड पे थे जिनका आप इंटरव्यू कर रहे थे, उनका मैंने देखा, फिर वो जो कोच बनना चाह रहे हैं, मेंटोर बनना चाह रहे हैं साहब, उनका मैंने इंटरव्यू देखा पूरा, मैं फ्रॉम द बिगनिंग टू द एंड नहीं देख पाया मसरूफियत की वजह से, लेकिन जितना भी मैंने देखा उसमें वही था कि बड़े रिलैक्स अंदाज में बातचीत हो रही है, तो अगला भी जो है वो प्रेशर में नहीं है बिल्कुल। और यही होता है कि इंटरव्यूअर दूसरी पार्टी को एट ईज कैसे फील करवाता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू में। अगर वो थोड़ा सा भी स्ट्रेसफुल हो गया तो बंदा गया फिर काम से, फिर वो इंटरव्यू नहीं हो पाता, बंदा खुल के सामने नहीं आ पाता, बोल नहीं पाता। सही है. तो हम बेसिकली ये जो काम कर रहे हैं वो इंटरव्यू नहीं है, वो एक्चुअली गपशप है. जैसे कि फॉर एग्जांपल, मैं बिल्कुल आपके घर आया और आपके साथ कॉन्वर्सेशन करी, और उसमें मैं हाइपर हो जाऊं तो वो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा और मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा. तो दिस द होल पर्पस इज के हम फिजिकली एक दूसरे के साथ नहीं हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमें ये फील हो कि हम वहीं बैठे हैं और हम उसको जानते हैं, या हम जो भी कॉन्वर्सेशन करना चाहें जाके, हमारे हम दो आदमी के अलावा जो और भी लोग चाहें देखना, कुछ हजार लोग और भी उसको देख के उससे कुछ फायदा उठा लें. दैट्स द होल आइडिया बिल्कुल ये करने का. अच्छा, मैं था, आपने कोई बनाया आम आदमी की मदद या क्या है वो, जी बिल्कुल। क्या नाम है उसका, थोड़ी पेज मेरे है ध्यान जनाब, पे बता. एम्पावर नॉर्मल पीपल। तो अच्छा, वही आम आदमी की एक ताकत आम देने. आदमी को, बिल्कुल आम आदमी को कैसे हम एम्पावर करेंगे, क्योंकि मेजॉरिटी जो है वो आम आदमियों की है, ठीक है जी। प्रिविलेज लोग कितने हैं, गिने चुने हैं आप, उनको बिल्कुल गिन सकते हैं। तो मैं बजाते खुद एक आम आदमी हूँ, ठीक है जी। मैं कोई मिलियनर बिलियनर या कोई ऐसी चीज नहीं हूँ, कोई तोप चीज नहीं हूँ, एक मजदूर आदमी हूँ, खोदता हूँ खाता हूँ, ठीक है जी। तो जो जो मसले जो मरहले मुझे दरपेश हैं, वही और लोगों को भी वो दरपेश हैं। तो मेरी कोशिश उस पेज के थ्रू ये है कि एक जो आम आदमी है उसको किस तरह रोड टू सक्सेस दिखाया जाए, कि भाई जो जो ऑनलाइन बिजनेस है या टेक्नोलॉजी है, क्योंकि मैं आईटी का बंदा हूँ, ठीक है जी। सारी जिंदगी मैंने आईटी किया है, उसके अलावा और कुछ नहीं किया। तो जो टेक स्टार्टअप्स हैं या टेक एंटरप्रेन्योर हैं पाकिस्तान के अंदर या दुनिया में कहीं पे भी हैं, उनको हम किस तरीके से हेल्प आउट कर सकते हैं।
मेरे बड़े सारे फैमिली मेंबर इसमें आ गए, मैं एक्नॉलेज करना चाहूंगा। आई होप यू डोंट माइंड रियान भाई। एहसन है, मेरे बेटे हैं, माशाल्लाह ही इज ऑनलाइन। मेरा छोटा भाई है कामरान, ही इज ऑन एज वेल। एंड यस कार्ला, विल डेफिनेटली इंटरव्यू, मे बी विल इंटरव्यू ईच अदर नाउ। सो सिंस आई हैव लर्न हाउ टू यूज फेसबुक लाइव, आई विल प्रोबेबली बी इंटरव्यूइंग यू एज वेल समडे। So that's what I wanted to really acknowledge. So going back again, Rehan bhai, तो कोशिश यही है कि उस पेज के थ्रू या मेरा जो ब्लॉग है ijazquraishi.com, उस पे मैं पोस्ट करता रहता हूँ। उस पे वही जो जो एम्पावरमेंट की रिलेटेड टॉपिक्स हैं, उसमें मैंने एक अभी प्रेजेंटेशन की थी, 14 ways टू गेट रिड ऑफ योर लेजीनेस। यू नो, हर आदमी जो है वो लेजी है, और वो किस तरीके से एक्ट करे कि वो उसकी लेजीनेस दूर हो जाए, प्रोडक्टिव हो जाए। फिर अभी मैंने एक किया, हाउ टू सेलेक्ट या हाउ टू फाइंड द राइट पार्टनर। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली टेक स्टार्टअप्स के लिए। कोई वेंचर कैपिटल है, अगर उसके पास पैसा है तो उसको स्किल वाला ढूंढना पड़ता है पार्टनर, कोई स्किल वाला है तो उसको वेंचर कैपिटल ढूंढना पड़ता है। लेकिन उन दोनों को कैसे आपस में जो है क्या चीज देखनी होगी, किस तरीके से सेलेक्ट करना होगा, वो एक पूरा प्रोसेस है। तो वो थोड़ा सा मैंने एक ओवरव्यू को 50 मिनट का, मेरे ख्याल 1 घंटे का वीडियो है वो मैंने दिया। तो इस तरीके की चीजें हम करवा रहे हैं। अभी एक मैं शो रन कर रहा हूँ एवरी फ्राइडे सैटरडे और मंडे, पाकिस्तान के 6 बजे से 7 बजे तक होता है शाम के। उसमें हम स्पोकन इंग्लिश की प्रैक्टिस करवाते हैं, लोग आते हैं ऑनलाइन और आ करके हमसे बात करते हैं। जिस तरह कार्ला का शो है, इसी तरीके से हमारा वो शो है। कार्ला का एडवांटेज ये है कि कार्ला एज अ US सिटीजन, और उसकी मदर टंग है इंग्लिश, तो लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं रहता कि दूसरी जबान में उससे बात करें, वो उससे अंग्रेजी में ही बात करते हैं। तो ये एक बड़ा अच्छा एडवांटेज है। हमारे शो में लोग आते हैं, थोड़े से शाई भी होते हैं, डजेंट मैटर, लेकिन जो एक पहली दफा आया और आकर के उसने बोलना शुरू किया, तो आई एम श्योर कि वो आगे भी फिर बोलेगा। क्योंकि वो जाहिर है कि जब ऑनलाइन बिजनेस की बात हो रही है तो आपके कस्टमर्स तो इंटरनेशनल हैं, उसके लिए तो कोई बाउंड्री तो है ही नहीं। आपने उनसे इंटरेक्ट करना है, ऑर्डर लेने हैं, अपने आप को एक्सप्रेस करना है। रीडिंग और राइटिंग तो सबकी अच्छी है, अंग्रेजी आती है सबको, नहीं तो गूगल ट्रांसलेट पड़ा हुआ है, वो उससे कर लेते हैं। लेकिन जब बात करने की बात आती है तो वो बात नहीं कर पाते, वो उसमें झिझक आ जाती है, या ग्रामर मिस्टेक होती है, या बोलने का उनका जो स्टाइल है वो डिफरेंट है, सीने से नहीं बोल रहे या बहुत तेजी से बोल रहे हैं, या उस तरह की चीजें हैं। तो कोशिश यही है उस पेज के थ्रू कि अपने जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, आइंदा आने वाली जो कौम है, उसको हम किसी तरीके से गाइड कर सकें, सीधे रास्ते पे लगा सकें, बजाय इसके कि वो नुक्कड़ पे खड़े होकर के और फेसबुक वीडियोस देख रहे हैं या यूट्यूब वीडियोस जिनकी कोई जरूरत नहीं है वो उनको देख रहे हैं, और उससे जहन जो है वो परागंदा हो रहा है, बजाय इसके कि वो प्रोडक्टिवली काम करें। और आपने बड़ा इसके ऊपर काम किया, मैंने आपकी किताब देखी माशाल्लाह, 10 मिनट में ऑनलाइन बिजनेस कैसे शुरू किया जाए, तो उर्दू में भी आपने लिखी है, अंग्रेजी में भी लिखी है, और एक्सेस लोगों को अवेलेबल है, आप उनको हेल्प आउट करते हैं। दिस इज रियली ऑसम। तो ये चीजें हम कर रहे हैं जनाब अपने पेज पे। अच्छा, हर इंसान का एक थियोस होता है, जिंदगी का निचोड़ होता है, उसको कुछ चीज़ें किसी तरह से समझ में आती हैं, किसी को किसी तरह से समझ में आती हैं। आपकी उम्र पूछ सकता हूँ मैं क्या एजाज भाई? मेरी उम्र 61 साल है जनाब, मैं बिल्कुल नहीं छुपाऊंगा। तो आप तो अभी नौजवान हैं, तो उस नौजवानी में आपने क्या सीखा कि जो हमारी कौम का मसला आपको नजर आया, हर एक को कुछ और नजर आता है और हर एक उसी के ऊपर काम करता है, आपको क्या नजर आया कि पाकिस्तान के अंदर क्या 3 चीजों की कमी आपको नजर आती है? देखिए, सबसे पहली चीज रेहान भाई, मुश्किल सवाल है, बहुत मुश्किल सवाल है, मैं आपसे बिल्कुल दिल की बात कहूंगा, बहुत मुश्किल सवाल है। और मैं नहीं समझता हूँ कि मैं इस सवाल के कुछ हैंडल करने का या इसका जवाब देने का अहल हूँ। मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूँ, लेकिन मसला इसको आसान बनाएं और ये ना सोचें कि दूसरों को क्या नजर आता है, आपको बतौर आपके एजाज को क्या नजर आता है पाकिस्तान में, क्या 3 चीजें सही होने वाली हैं? सबसे पहली चीज जो है ना रेहान भाई, वो तो ये है कि लीडरशिप,
ठीक है जी, जब तक हमारी लीडरशिप सही नहीं होगी उस वक्त तक जो है वो पाकिस्तान में खुशहाली जो है वो नहीं आएगी। मैं ये समझता हूँ कि लीडरशिप को फेथफुल होना जरूरी है, कौम के साथ, मुल्क के साथ। ठीक है, वो फेथफुल हैं, अपने साथ हैं, हर आदमी सेल्फिश है, बॉर्न सेल्फिश है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जब आप लीडर बनते हैं तो आपको अपने ज़ाती मफादात के मुकाबले में मुल्क का और कौम का मफाद जो है वो सबसे उसकी प्रायोरिटी होती है, वो सबसे नंबर वन नंबर चीज़ है। टू नंबर टू जो है, जो जो यंग ब्लड है हमारा, ठीक है जी, जो आगे के मेमार हैं पाकिस्तान के, उनको जो है वो लीडरशिप में आना चाहिए, उनको सियासत में आना चाहिए, उनको आगे बढ़ना चाहिए। बजाय इसके कि वो ठीक है बिजनेस की तरफ आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट, लेकिन जब तक कि वो बच्चे पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे, अपना एक मिशन नहीं बनाएंगे कि हाँ जी हमने जाकर के कैबिनेट में बैठना है, हमने इस मुल्क की बागडोर संभालनी है, तो उस वक्त तक जो है वो कुछ नहीं होगा। ये वही जो मौरूसी सियासतदान हैं वही आते रहेंगे, उन्हीं के बच्चे आते रहेंगे और वही मेंटेलिटी रहेगी, और वो जिस तरह अब तक पिछले 70-75 सालों में होता रहा है वही अब भी होता रहेगा, आइंदा भी होता रहेगा। तो इस तरीके से कोई तरक्की बिल्कुल नहीं है। तीसरी चीज मैं सोच रहा हूँ यार, मैं जब से मैं ये बोल तो रहा हूं मैं, लेकिन मैं तीसरी चीज सोचने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये क्या है। लेकिन जो इनिशिएटिव्स हैं टेक्नोलॉजी के हवाले से मैं बात करूंगा कि गवर्नमेंट की सपोर्ट जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन टेक्नोलॉजी के इनिशिएटिव्स को आगे बढ़ाने के लिए। पोटेंशियल पाकिस्तान के अंदर बहुत है, बच्चे माशाल्लाह ऐसा ऐसा काम कर रहे हैं कि अनबिलीवेबल, इतने कॉन्फिडेंट हैं अपने कामों में, टेक्नोलॉजी में माहिर हैं। अभी आप फाइवर पे देखिए माशाल्लाह कितने पाकिस्तानी बच्चे, या अपवर्क पे ले लीजिए, या आप उस पे freelancer.com पे देख लीजिए, या किसी और पे जो जॉब बोर्ड्स हैं उस पे देख लीजिए, बच्चे ऐसा ऐसा काम कर रहे हैं। और मैं अभी एक वीडियो वॉच कर रहा था, एक बच्ची है पाकिस्तान की, मुझे वीडियो एडिटर की जरूरत है, जो मैं प्राइवेट इंटरव्यूज वगैरह करके उनको एडिट करवाना चाहता हूँ, तो वो बच्ची ने एक वीडियो एडिट करके मुझे भेजी है बलूचिस्तान के बारे में, मैं देख रहा था अभी, और बड़ी जबरदस्त वीडियो उसने एडिट की है, एंड इट्स रियली ऑसम, अमेजिंग अमेजिंग, उसने क्या इफेक्ट उसके अंदर डाले हैं और क्या वॉइस ओवर करवाई है उसने, आई हैव नो आइडिया, आई स्टिल हैव टू फाइंड आउट कि उस बच्ची ने कैसे काम किया, पाकिस्तानी बच्ची, ठीक है। और बेतहाशा ऐसे स्किल्ड लोग मौजूद हैं जो फाइवर के ऊपर नंबर टू सेलर्स हैं और सुपर सेलर्स हैं, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं माशाल्लाह, तो पोटेंशियल है। लेकिन सपोर्ट जो है, जब तक कि किसी चीज को नहीं होगी तो वो उस वक्त तक वो चीज कायम नहीं रह सकती, उस वक्त तक वो स्टेबलाइज नहीं हो सकती। तो मेरे ख्याल में तीसरी चीज ये है कि गवर्नमेंट की सपोर्ट जो है, या जो जो इदारे हैं उनकी सपोर्ट जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी। अब आप पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं, अब आप तीन कामों को प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं, क्या करेंगे, एक्शन क्या करेंगे? सबसे पहला काम तो मैं ये करूंगा जनाब कि जो बिजली का मरहला है ना, इसको मैं सॉर्ट आउट करूंगा सबसे पहले, कि जो जो ये बिजली की चोरी हो रही है और ये जो चीजें हो रही हैं जिसकी वजह, पाकिस्तान में रिसोर्स की कमी नहीं है बिल्कुल, ठीक है जी, बिजली जितनी बन रही है वो मेरा ख्याल है कि बिल्कुल पाकिस्तान के लिए काफी है, लेकिन जो बीच में से चोरी हो जाती है, लोगों ने कुंडे कैसे डाले हल हुए करेंगे आप, हैं जी, कैसे हल करेंगे? प्राइम कैसे हल करेंगे? मिनिस्टर हाँ, आप बन ये गए, एक्शन क्या लेंगे? एक्शन मैं ये लूंगा कि भाई ईमानदारी से काम करें, और जो जो पता चला कि किसी ने बेईमानी की है उसको जो है वो फायर करवाया जाए, दैट्स इट, दे आर नो लॉन्गर पार्ट ऑफ द टीम। और जब तक नंबर टू, के नंबर टू जो है, जो जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनकी इसलाह की जरूरत है, ठीक है। मैं ये समझता हूं, और मेरा ये जाती ओपिनियन है, इसमें किसी थर्ड पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है, और ये मेरा बिल्कुल जाती ओपिनियन है, वो ये है कि जो जो पुलिस है, जैसे कि यहाँ पर पुलिस का निज़ाम है नॉर्थ अमेरिका में या यूरोप में, वो है काउंटी बेस्ड पुलिस है, एक लोकल पुलिस है, आपके इलाके की पुलिस है, आपके अपने इलाके के लोग हैं, ठीक है, जिनको आप जानते हैं,
यहाँ जो जो पुलिस के अंदर है मैं जानता हूँ, दो घर छोड़ करके पुलिस वाला रहता है, उसका बेटा भी पुलिस में है, वो खुद भी पुलिस में है, ठीक है जी। वो यहाँ आकर के मेरे घर पे मुझसे रिश्वत नहीं मांग सकता, या मुझसे पैसे नहीं मांग सकता, या मुझे हफ्जे भेजा में नहीं डाल सकता वो उठा करके कि चलो जी ये डॉक्टर एजाज कुरैशी को पकड़ो और बंद कर दो, क्योंकि मुझे ऊपर से फोन आया कि इस बंदे को बंद करना है उठा करके। तो ऐसी चीजें हो जाती हैं और हो रही हैं पाकिस्तान में। हम रोज देखते हैं कि जी वो किसी को पकड़ लिया, किसी को ये कर दिया, किसी को वो कर दिया। मैं ये समझता हूँ कि पुलिस में जो लोकल लोग हैं उनको लाया जाए, उनको जिम्मेदारी दी जाए, उनको रिस्पॉन्सिबल बनाया जाए, नंबर तो ये टू दूसरी चीज है क्योंकि इसकी इसलाह की जरूरत है। तीसरी चीज ये है कि जो इंटरनेशनली जो रिलेशनशिप है पाकिस्तान की विद द अदर कंट्रीज, उसको बहुत ज्यादा मुस्तहकम करने की जरूरत है। ठीक है, हमने एम्बेसडर्स भेजे हुए हैं, हर मुल्क में बैठे हुए हैं, दे आर वर्किंग हार्ड, दे आर वर्किंग देयर बेस्ट, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट लेवल पे और ज्यादा बायलेटरल रिलेशनशिप को स्ट्रांग करने की जरूरत है। जब तक के और ममालिक से हमारा रابطہ बेहतर नहीं होगा, उनकी प्रोडक्ट्स हम यूज करें, हम अपनी प्रोडक्ट्स उनको इंट्रोड्यूस करें, एक्सपोर्ट करें, पाकिस्तान के अंदर इतने सारे रिसोर्सेज हैं, सिलिकॉन की बेतहाशा पाकिस्तान के अंदर जो है वो जखायर मौजूद हैं, और सिलिकॉन इज द बेसिक थिंग, बहुत सारी चीजों के लिए वो इस्तेमाल होता है, लेकिन उसको निकालने के जराए नहीं है, सही मानों में उन चीजों पे काम नहीं हो रहा। तो मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान को एज ए प्राइम मिनिस्टर मैं एक ऐसे बायलेटरल रिलेशनशिप की तरफ लेकर के जाना चाहूंगा कि जो दोनों साइड के लिए पॉजिटिव हो और फायदेमंद हो। कैसा किया एक्सलेंट मैंने बात वैसे, कही बताएं तुमने, आप रेहान भाई, हाउ डिड आई डू? यू डिड वंडरफुली फाइन, बट आई वुड ऐड इन अ फ्यू थिंग्स इफ यू श्योर, लाइक। नंबर वन जो चीज़ आपने बताई कि वो इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, उसका आसान तरीका ये है कि जिस तरीके से टेलीकॉम का प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है कि पाकिस्तान में कंपटीशन अरेंज किया गया और एक की जगह पांच मोबाइल कंपनीज आई तो टेलीफोन का प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व हो गया। इसी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी मोनोपोलाइज है, तो अगर आप पाकिस्तान के अंदर 10 कंपनियों को ऑफर करेंगे कि आप प्राइवेट इलेक्ट्रिक कंपनी की डिस्ट्रीब्यूशन बनाएं जैसे कि बाकी मुल्कों में होता है, तो वो प्रॉब्लम 3 साल में खुद ही सॉल्व हो जाएगा और ओवरनाइट तो कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व हो नहीं सकता है। सो बिल्कुल दैट इज नंबर वन ईजिएस्ट वे टू डू इट, कि गेट आउट ऑफ कंग्रेचुलेशन। बिजनेस। इट्स नॉट योर जॉब टू डू बिजनेस, योर जॉब इज टू क्रिएट पॉलिसीज एज अ गवर्नमेंट। हमने गवर्नमेंट को, जैसे कल अली भाई भी बात कर रहे थे ना, 70 साल 80 साल से जो हमने प्रोग्राम किया लोगों को, वो ये बताया कि सारा काम, हर काम, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी हो, चाहे वो गैस हो, हर चीज़ काम गवर्नमेंट का है, विच इज़ नॉट ट्रू। गवर्नमेंट का बिल्कुल काम सिर्फ पॉलिसी मेकिंग होता है और कुछ नहीं होता है। अगर अगर मेरी आई एम मोर ऑफ अ लिबर्टेरियन आई गेस, के that's what the government should do. Government should not be involved in anything else, and the government should create policies जाके competition ज़्यादा से ज़्यादा create हो सके हर field के अंदर, जाके जो भी best policy हो वो consumer को भी फ़ायदा हो और supplier को भी फ़ायदा हो। अभी ना consumer को फ़ायदा हो रहा है ना supplier को फ़ायदा हो रहा है, दोनों नुकसान में जा रहे बिल्कुल हैं। पॉलिसी नंबर टू आपने बोला पुलिस, तो द फर्स्ट थिंग आई वुड डू इज़ क्रिएट एन ऐप कि हम पुलिस कि आप अवेलेबल करें, इंस्टेंटली FIR क्रिएट कर सकें। एवरी सिंगल थाना शुड बी ऑनलाइन एंड एवरी सिंगल पर्सन हु डजंट नो हाउ टू यूज टेक्नोलॉजी शुड बी फायर्ड एंड गेट अ न्यू पर्सन इन्वॉल्व। कि जी बिकॉज वी एब्सोल्युटली आर इन अ प्लेस वेयर हाई टेक हेल्प्स अस, एम्पावर्स अस, और हम अगर आप वॉलमार्ट को भी जाके बोलेंगे कि जी आप ऑनेस्टली काम करें, तो वॉलमार्ट का कोई भी आदमी ऑनेस्टली काम नहीं करेगा जब तक के SOPs या KPI सही सेट नहीं होंगे। तो वो कोई भी ऐसी अच्छी कंपनी भी, अमेरिका की भी होगी, वो भी चोरी करेगी। ऐसा हो नहीं सकता कि वो बिजली बंद करके देख लें टोरंटो में थोड़ी देर के लिए कि क्या होगा, वहाँ बिल्कुल भी यही होगा जो पाकिस्तान में होता है। तो ऐसा नहीं है कि हमारा अखलाक गिरा हुआ है और उनका अखलाक अच्छा है। एक सिस्टम बना हुआ होता है तो वो सिस्टम को लोग फॉलो करते हैं, सिस्टम नहीं होता है तो सिस्टम को लोग फॉलो नहीं करते। तीसरी चीज़ बिल्कुल आपने बताई कि फॉरेन पॉलिसी ठीक करनी चाहिए, तो मैं तो बहुत साल से बोलता था कि बेनज़ीर शुड बी
फॉरेन पॉलिसी, फॉरेन क्या होता है, सेक्रेटरी ऑफ फॉरेन अफेयर्स, बट टुडे बिकॉज़ बेनजीर इज गॉन, एको आना शुरू हो गया. हाँ, पर मुझे नहीं मालूम क्यों हो रहा है ये. ओके, एको आ रहा है. हेलो, 1 2 3. जी जी आप, मुझे आपकी आवाज आ रही है रेहान भाई. बीच में जरा थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, अब ठीक आ I रही would hire Imran Khan and Angelina Jolie as the foreign minister of Pakistan and let them go on a world tour and solve the foreign policy of Pakistan. I mean, hire her for whatever price. Agar $10 million mangti hai wo, that is still cheap to hire her as a foreign, you know, policy. Kyunki aapko instantly har media coverage dega. Jaisi Angelina Jolie foreign minister of Pakistan ke taur pe jayengi kisi bhi mulk mein, तो वो सारा मीडिया आपके कदमों में बिछना शुरू हो जाएगा. एंड ऑटोमेटिकली हूएवर समबडी लाइक एंजेलिना शुड बी मेड इनटू अ फॉरेन मिनिस्टर, बिकॉज़ उसका पब्लिक अफेयर से काम होता है और पब्लिक पीआर की आपको जो कॉस्ट पे करनी पड़ेगी एज अखबार में इश्तहार देने के, वो करोड़ों अरबों डॉलर बनेगी, जबकि सिर्फ एंजेलिना सिर्फ शो अप कर देगी हाँ आई एम हियर, तो वो इंस्टेंटली आपकी पॉलिसी खुद ही सॉल्व हो जाएगी. सो दैट्स द थ्री थिंग्स आई वुड डू इंस्टेड. वो किसी ना किसी को अडॉप्ट करके ले आएगी जनाब, और वो डेफिनेटली सक्सेसफुल. वो हम पाकिस्तान के सारे बच्चे उसको दे देंगे, यार ये तुम ये भी रख लो बोनस तुम्हारे लिए, सारे बच्चे भी हैं पाकिस्तानी, नो प्रॉब्लम. सो दैट्स व्हाट आई वुड डू. जहां तक आपने, मेरा जो ख्याल है पाकिस्तान के अंदर जो मसला है वो सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है, वो हर अंडर डेवलप्ड कंट्री का है, कि वेस्ट ने वेस्ट को इतना ज्यादा सेक्सी बना दिया है, इतना ज़्यादा खूबसूरत बना के दिखाया है कि जैसे ही बच्चा ग्रेजुएट करता है या कुछ अच्छा होता है वो कहता है मुझे बाहर जाना है, बाहर जाना है. तो जो आपकी मलाई है मुल्क की, लम्स का बड़ा हुआ बच्चा, आईबीए का बड़ा हुआ बच्चा, अच्छे जो ग्रेजुएट्स होंगे वो आप फॉरेन या तो किसी मल्टीनेशनल में लग जाती है जाके, या फिर वो बाहर चला जाता है, दुबई चला जाएगा, यूरोप चला जाएगा, ऑस्ट्रेलिया चला जाएगा, कैनेडा चला जाएगा, वो पाकिस्तान में रहना नहीं चाहता. तो अब जो पीछे जो लोग रह जाते हैं उनके अंदर इतनी सलाहियत हमें नजर नहीं आती, और सबसे जो कमी सलाहियत की है मुझे वो नजर आती है वो है खुद ही की, खुद एतमादी की, खुद बिलीफ की. और ये जो कार्ला का शो जिसमें वो 10,000-12,000 लोगों के साथ रोज बात कर रही होती है, उसका मकसद इंग्लिश सिखाना बिल्कुल भी नहीं है. वो हमने शुरू इसलिए किया था कि लोगों को सेल्फ बिलीफ नहीं है कि मैं, देखें द सेकेंड fear, biggest fear in the planet is talking in a public space. Pehla maut se hota hai, dusra logon ke samne baat karne se hota hai. To agar wo publicly aake video pe baat karte hain to uska fayda ye hota hai ki unke andar jo khauf hota hai, unke andar jo dar hota hai, wo aahista aahista bahar nikal jata hai. Aur jab kisi ke andar se bhi aap khauf nikal dete hain to phir wo khauf ki jagah confidence le leti hai, aur confidence aa jata hai to phir wo MNA ka election bhi lad sakta hai, MPA ka election bhi lad sakta hai, kuch bhi kar sakta hai. Asal maqsad masla ye hai ki wo ye bolta hai main ye kar nahi sakta hu, to kyunki ye aadmi ye khud bhi bol raha hota hai ki main ye kar nahi sakta hu to wo kaise karega. To hamari qaum ke andar agar aap talent le le bahut sara hoga, lekin agar aap खुद एतमादी देख लें या सेल्फ बिलीव देख लें, अपने आप को सबसे ज्यादा गालियां हम खुद ही दे रहे होते हैं क्योंकि हम अपने आप को अच्छा नहीं समझते. और हमको यही बताया गया है, टीवी सुबह से शाम ये बताते हैं कि आप अच्छे नहीं हैं, आप अच्छे नहीं हैं, आप अच्छे नहीं हैं. तो जब आप यही बताएंगे कि आप अच्छे नहीं हैं तो आप कहेंगे हाँ यार हम अच्छे नहीं हैं. हमारे यहाँ खुदा न खास्ता कोई बच्ची का कत्ल हो जाता है तो बहुत ज्यादा तकलीफ में आ जाती पूरी कौम, लेकिन अगर कोई अच्छा काम करता है, कोई किसी की जान बचाता है, कोई किसी के साथ काम आता है तो वो उसकी खबर नहीं बनती है, ना उसको हीरो कभी बनाते हैं. तो ये एक चैलेंज है, और उस चैलेंज को ठीक करने के लिए जो मेरा काम है, जिसकी वजह से मुझे बहुत खुशी है कि मुझे आप जैसे लोग फाइनली मिलना शुरू हो गए हैं, वो ये है कि जो क्रीम बाहर चली गई है उनका दिल पाकिस्तान में अभी भी धड़कता है जरूर, क्योंकि वो फर्स्ट जनरेशन है और वो वहीं पैदा हुए हैं, तो माँ की तरह होता है लैंड उनका, उनसे जबान की उनसियत है, मोहब्बत है. आपके बच्चों को उतनी नहीं होगी, उनके बच्चों को उनसे कम हो जाएगी, क्योंकि कोई एम्पैथी है नहीं होती, बस थोड़ा बहुत टीवी देख लिया, अब्बा से सुना था, दादा सुना था. मेरे दादा दिल्ली में पैदा हुए थे, मुझे क्या दिल्ली से लेना देना, ठीक है वो आगे हुए होंगे पैदा. तो सिमिलरली आई फील के आई फेल्ट के आई कुड टेक दिस टूर
social media and connect people who are living overseas, जैसे आप हैं और या बाहर चले गए हैं, आराम से अपने कमरे के ड्राइंग रूम में आप बैठे, जो कुछ आपके पास देने को है आप देना चाहते हैं, आधा घंटा, एक घंटा, हफ्ते में एक घंटा, आप अपने फेसबुक पे आ जाएं और हम आपको लोग देते हैं, आप उनको मेंटर करना शुरू कर दें. That's all we have to do. अगर इतनी क्वांटिटी में बच्चे बना दें कि बच्चे बाहर जाना भी चाहें तो कोई फर्क नहीं पड़ता. अब क्योंकि सोशल मीडिया के थ्रू हम इतने इंटरकनेक्टेड हो चुके हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम पाकिस्तान में रहें या ना रहें. रहें तो अच्छी बात है क्योंकि हमारी एम्पैथी बढ़ेगी, हमारे प्रॉब्लम्स के करीब होते हैं तो हम प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश ज्यादा करते हैं. दूर होते हैं तो हम कम से कम गाइड तो कर ही सकते हैं ना. हमारा मेंटल स्टेट जो है वो कनाडा का अलग है, पाकिस्तान का अलग है, अमेरिका का अलग है, फ्लोरिडा का अलग है, न्यूयॉर्क का अलग है. तो मेरी जो कोशिश है वो ये है कि हम यहाँ के बच्चों को पहले तो उनका विजन क्लियर करें, उनके अंदर जो ब्लॉकेट डले हुए कि ये खराब है, ये भी खराब है, ये भी खराब है, ये भी खराब, सब चीज़ खराब है, तुम ही अच्छे हो और गाली भी अपने आप को देते हो, तो वो थोड़ा सा क्लियर कर दें ब्लॉकेजेस, जिस तरह आपकी आर्टरीज के ब्लॉकेजेस होते हैं. उसके बाद जब ये ब्लॉकेजेस आप खत्म कर देते हैं कि आप लोगों को ये कहना बंद कर देते हैं कि ये खराब है, ये खराब है, तो मेरा ख्याल है कि फिर हमारी जमीन फर्टाइल हो जाती है और उसके बाद गुदाई पूरी हो जाती है मट्टी की, क्योंकि पत्थर बन गए सुन सुन के एक ही बात को, एक जैसे हो गए सारे, तो उनकी गुदाई कंप्लीट हो जाती है. फिर जब इनके ये 500 दोस्तों का जो मैंने प्रोसेस शुरू किया था कि आप 500 दोस्त बनाएं, बाहर के होने चाहिए और आपको सिलेक्टेड लोग मिल गए, तो आप उनके साथ एम्पैथी क्रिएट करते हैं, पार्टनरशिप क्रिएट करते हैं, फ्रेंडशिप क्रिएट करते हैं, ऑटोमेटिकली जिस तरह से आप देखते हैं कि यूनिवर्सिटियों में जाके 50% लोग यूनिवर्सिटी से फिर ये दुल्हन और दूल्हा भी लेके आ जाते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से इस प्रोसेस के जरिए उनको पार्टनर्स मिल जाते हैं, उनको फ्रेंड्स मिल जाते हैं जो उनको अंडरस्टैंड करते हैं, जो उनको 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 बिलीव करते हैं और उनके साथ मिल के कुछ क्रिएट को क्रिएट करना चाहते हैं. और जो अल्लाह ताला ने इस पूरी दुनिया का जो निज़ाम बनाया है उसमें किसी का कोई काम है, किसी का कोई काम है, तो अमेरिकन से अच्छा कोई मार्केटियर नहीं होता है और पाकिस्तानी जो है वो मैथ्स में और प्रोग्रामिंग में उसके अंदर अच्छा होता है, बोलने की सलाहियत उसकी इतनी अच्छी नहीं होती है. तो को क्रिएट करके अच्छी कंपनीज बना सकते हैं, अच्छी चीजें क्रिएट कर सकते हैं. सो आई फील के द वर्ल्ड इज एंटरिंग इनटू अ वेरी वेरी ग्लोबलाइज्ड टाइम एंड मेजॉरिटी ऑफ आवर पीपल आर नॉट रेडी फॉर इट. हमारा जो माइंड सेट है वो रेडी नहीं है. लोग तो रेडी हैं, लोग रेडी होना शुरू हो गए हैं. ये जो आपने फाइबर के आने की वजह से एक पूरी कौम तैयार हुई है जो कि एक नेक्स्ट जनरेशन में एंटर हुई है, क्योंकि टूल क्रिएट कर दिया फाइबर ने. अब अगर हम सब फाइबर वालों को ये बोले भाई फाइबर इजरायली कंपनी है, इजराइल के अंदर बेस्ड है, तेल अवीव में उनका हेडक्वार्टर्स है, तो कितने लोग उसको मना गाली देंगे, काम तो फिर भी वहीं से लेते हैं. तो वी नीड टू अंडरस्टैंड के वी आर ऑल चिल्ड्रन ऑफ द सेम गॉड एंड we must co-create rather than fight each other. We need to collaborate with each other and work as hard as we can to prosper everyone, not just one country or the other country. We're all interconnected, hyper-connected now. And do char saal mein kitna zyada change aayega, I really, aapne IT ki duniya dekhi hai, aapke samne 50 saal mein upside down har cheez ho chuki hai, it's beyond upside down. And exactly. It's only getting faster and faster. Absolutely. And हमारे पास अगेन पाकिस्तान में बिजली ना हो, पानी ना हो, लेकिन उस भंगी के पास भी ब्रॉडबैंड चल रहा है, मोबाइल फोन चल रहा है, फेसबुक चला रहा है, and we can now empower him. So ये मेरी side of the story है. My request to you is to go out there and interview your friends and family, जो के आप उनको highlight करवाएं अपने नेटवर्क के अंदर कि ये जो आदमी है इसकी ये सलाहियत है. आपकी जो सबसे अच्छी सलाहियत मुझे नजर आई है 3-4 वीडियोस देखने के बाद वो ये कि आप रिलैक्स्ड हैं, आप चिल हैं और आप ओवर एग्रेसिव भी नहीं हो रहे हैं और आप अपनी जगह कायम हैं कि नहीं, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ इम्प्रूवमेंट. एब्सोल्युटली, दैट्स योर स्किल सेट इन माय ओपिनियन. नथिंग, you don't need to do anything else, you just be how you are. Jaise suraj hai na, wo apna kaam kar raha hai, usko hilne pulne ki zarurat nahi hoti. To aap agar utni roshni jo de rahe hain
वो आप देते रहेंगे, और ये जो बच्चे आपसे बात कर रहे हैं इनको आप, इनको ये पता होगा कि एक आदमी वहाँ मौजूद है जो मेरे साथ है. दैट्स ऑल यू नीड. यू नो जो मैं समझता हूँ बड़ों का काम ही यही होता है कि थप्पी देना पीछे, कोई हेल्प नहीं करते कोई कि हाँ बेटा लगे रहो, इट्स गुड व्हाट यू आर डूइंग. एंड दैट अलोन इज मिसिंग इन आवर कल्चर, इन आवर सोसाइटी. एंड दैट यू हैव maybe acquired it while you were in Pakistan or while you were overseas. Aur aapne bataya ki itne aapne travel kiya, millions of miles travel kiye, to you acquire that. Jab aap travel karte hain to you acquire a globalization inside of you, ki ji, you know, this, we are all one, we are all together, we are all in it as one, on one kishti. Ab aap kuch bhi bole usko ki main ye hu, main wo hu. Main apne aap ko ab Pakistan se associate nahi karta hun, lekin mujhe zuban wahi aati hai. मैं ये समझता हूँ कि मैं उन्हीं की खिदमत ज्यादा कर सकता हूँ. मुझे सुहैली नहीं आती, मुझे जिम्बाब्वे की जबान नहीं आती, तो मैं उनके लिए कुछ ज्यादा कर नहीं सकता. तो आई ट्राई टू डू व्हाट आई कैन इन माय लैंग्वेज. और जितना मुझे मोहब्बत पाकिस्तान से है उतनी मोहब्बत मुझे बाकी ममालिक से भी है. मुझे कोई, मैंने मुझसे तो पूछा नहीं था अल्लाह मैंने पैदा करते हुए पासपोर्ट कौन सा लोगे भाई. तो आई पर्सनली हैव टेकन अ न्यू पासपोर्ट, इट्स कॉल्ड द वर्ल्ड पासपोर्ट. एंड I want to remain a global citizen. And jo meri khidmat to khair kya karunga kisi ki. I try to just teach technology as much as possible so that we can have a little bit edge over others. And be it whoever. And agar koi seekhna nahi chahta to hum uske saath ab zyadti na kare, zulm na kare, zabasti nahi, seekh lo seekh lo. Pehle nahi seekhna chahte to tumhari marzi. Maine to aapne agar Aasif ke saath offer kar diya तो मैंने ये कहा था हबीब बैंक पे जाके छलांग लगा दो यार, अपने लिए भी ज्यादती कर रहे हो, हमारे साथ भी ज्यादती कर रहे हो. यू नो बहुत सारे लोग हैं हमारे मुल्क में, 200 मिलियन लोग हैं, 2-4 मिलियन मर जाएंगे तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता. नहीं, कुरान शरीफ की एक आयत है कि अल्लाह ताला उस शख्स की मदद नहीं करता ना उस कौम की तकदीर बदलता है जो कौम अपनी तकदीर नहीं बदलनी चाहती. नहीं बदलना चाहती. तो जिन लोगों को ये मेरी बात बुरी लगती है कि मैं कह रहा हूँ भाई खुदकुशी कर लो, तो ये इसको, ये कुरान बोल रहा है आपको कि आप अपनी हालत को अगर खुद बदलना नहीं चाहते तो ना एजाज कुछ कर सकता है, ना रेहान कुछ कर सकता है, ना प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कुछ कर सकता है. पाकिस्तान की जो कॉन्स्टेंटली हुकूमत को बुरा कहते हैं, हमें ये सोचना चाहिए कि हमारी जो हुकूमत का स्ट्रक्चर है वो 40-50 साल पुराना है. और उस 73 में लास्ट टाइम बना था कॉन्स्टिट्यूशन, और 45 साल के बाद या 44 साल के बाद जो स्ट्रक्चर है हुकूमत का वो पोस्ट इंटरनेट एरा भी नहीं है, पोस्ट यूट्यूब एरा भी नहीं है, पोस्ट फेसबुक एरा भी नहीं है. जितने लोग बाबे बैठे हुए हैं वो बेचारों को कुछ आइडिया नहीं है टेक्नोलॉजी का. जो छोटे बच्चे हैं वो उनसे डरते हैं, जाके उनसे बात नहीं करते, उनको पहले गाली देते हैं बजाय इसके कि उनको प्यार से पूछें सर आपकी, मैं आपके साथ आके इंटर्नशिप कर लूँ. इस मुल्क में अगर आप देखें या तो छोटे बच्चे जाके इंटर्नशिप करते हैं, तमाम के तमाम कांग्रेसमैन के साथ इंटर्न लगे होते हैं, सारे काम वो कर रहे होते हैं. हमारे लोग नहीं करते इंटर्नशिप. जब इंटर्नशिप नहीं करेंगे तो फ्यूचर ऑफ पॉलिटिशियंस कैसे बनेंगे वो? वो तो गालियां पहले देते हैं. अगर किसी को बोलो भी आप पॉलिटिक्स में आ जाओ तो वो नाराज हो जाएगा कि नहीं ये तो यही गंदा काम रह गया. पुलिस में आ जाओ तो गंदा, जो अच्छे काम थे वो गंदे काम हमने कर दिए. तो मैं उम्मीद से हूँ, और आप ने ये इनसे बात करना शुरू की है, आई वुड लव फॉर यू टू यू नो वेक अप फॉर मोर पीपल एंड गिव देम दिस प्लेटफॉर्म. इट्स रियली ब्यूटिफुल, इट्स वंडरफुल, इट्स ईजी. Is nothing to it. And जैसे आपने कहा ना energy मिलेगी आपको, अगर आप उसको enjoy कर रहे हैं तो ठीक है, आपके लिए enjoy नहीं कर रहे तो आप Netflix देखें, no problem. जो लोग देखना चाहते हैं तो they can. आप इन लोगों से बात करेंगे ना, ये समी यहाँ पे लिख रहे हैं, रहमत से बात करेंगे, आपके अंदर करंट दौड़ेगा कि ये लोग ऐसी जगह बैठे हैं जहाँ ना इंटरनेट है ना बिजली है. और रहमत ने कोई 400 इंटरव्यू कर डाले हैं बगैर बिजली और इंटरनेट के, तो कैसे कर रहे हैं जहाँ मेरी जाते हुए हवा खराब होती है, कैसे कर रहे हैं, कैसे उसमें ये हिम्मत पैदा हो गई है, तो और भी पैदा औरों में भी हो सकती है. सो इट्स ओनली कि हमारा माहौल हमारे डिटरमिन करता है. जिस तरह कैनेडा में जाके बंदा, नॉर्मल बंदा भी चिल हो जाता है, एक तो ठंडी इतनी ज्यादा होती है, दूसरा माहौल आप पहले यू नो लखनऊ का मजाज है पूरा कैनेडा का, तो वो आदाब आ जाते हैं लोगों में और ठंडे हो जाते हैं.
तो वही हम अगर ये दोस्तों को फेसबुक पे भी ट्रांसफर कर दें. सो आई डिड दिस एक्सपेरिमेंट, आई स्टार्टेड दिस एज अ 3 इयर्स अगो, कि क्या हम लोगों के वर्चुअल माहौल को चेंज करने से उनकी मेंटल स्टेट को चेंज कर सकते हैं. एंड दैट्स व्हाई आई वाज गिविंग लैपटॉप्स, कि आप मेरे 500 गैर मुल्की दोस्तों को ऐड करें तो मैं आपको एक लैपटॉप दूंगा. आफ्टर 500 पीपल आई हैव डेटा कि एवरी सिंगल पर्सन चेंज. सो नाउ द आइडिया इज टू ऐड यू नो मोर जीरोस इन फ्रंट ऑफ इट. कैसे स्केल करूं मैं इसको आइडिया को, कि द मोमेंट एनीबॉडी डज दिस उसका मेंटल स्टेट चेंज हो जाता है, क्योंकि उसकी न्यूज फीड चेंज हो जाती है. जैसे उसकी न्यूज फीड चेंज हो जाती है, उसका माहौल चेंज हो जाता है, तो उसके अंदर एक करेज आता है, फियर कम हो जाता है, जो गालियां देनी होती हैं वो दे चुका होता है. यू नो ही गेट्स ओवर इट, इट्स लाइक ही मैच्योर्स फास्टर. एंड टू मी इट हैपेंड बाय एक्सीडेंट. मुझे अमेरिका आने की 11 साल तक इजाजत नहीं मिली थी, और जिस घर में मैं बैठा हूँ ये मेरा घर है, और इसमें ये मैंने ऑनलाइन खरीदा था, मैंने देखा भी नहीं था. But I couldn't come here. और फिर finally after 11 years they gave me visa. तो मैं अपने office के लोगों को कहता था कि यार तुम्हें अमेरिका से business करना है तो पहले अमेरिकनों से बात तो करो. So that's how we started it and it became as an accident, but which I don't believe in anymore. कि कोई accident होता है, अल्लाह मियाँ मुझे सिखाना चाहते थे कि ये सब हो. So now I have transferred it to others and it's, I feel that it's helping. It's, it might not be the best way or the only way, but I find it, it's a very interesting way of sitting and doing nothing and then people just transform themselves and come out of their cocoons and become a butterfly. Welcome. Yeah, I think in principle, definitely with your approach, socially ek aadmi change hota hai to definitely it affects the mental abilities aur uska behavior change ho jata hai. We lost Rehan bhai for some reason, so dekhte hain ki wo, main dobara se unko invite karta hu. Adding keh raha hai जी रेहान भाई, सॉरी आपको हमने लूज कर दिया था. यू आर बैक अगेन. जी ये भी देखिए, आपने मुझे, आप टेस्ट तो नहीं कर रहे थे मुझे कि ये दोबारा बंदा कैसे ऐड करता है इसको, आज इसको सीखा इसने आज फेसबुक लाइव में, समझ गया. ठीक है रेहान भाई, सही है. आप मेरा टेस्ट ले रहे हैं, ठीक है. टेस्ट नहीं है, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट. हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल बिल्कुल. प्रैक्टिस मेक्स मैन एंड वुमेन परफेक्ट है जी. तो नहीं, मैं ये यर्स कर रहा था आपसे रेहान भाई, जब आप ड्रॉप हुए, कि आई डेफिनेटली एग्री इन प्रिंसिपल विद यू, कि जो आप काम कर रहे हैं, जो मेंटल स्टेट चेंज कर रहे हैं लोगों की सोशल के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, इट्स ब्रिंगिंग चेंज इन पीपल पीपल बिहेवियर. जो मैंने अली भाई के इंटरव्यू में भी अर्ज किया था वो यही है कि वी हैव टू केयर हु आर अराउंड अस. ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है. हमारे अड़ोस पड़ोस में जो लोग हैं, हमारे फैमिली है, बच्चे हैं, दोस्त हैं, अहबाब हैं, रिश्तेदार हैं, उसके बाद फिर शहर है, गांव है, तहसील है, जो भी है, उसके बाद फिर और उसको आगे फैलाते चले जाएं. वी हैव टू रियली बी वेरी थैंकफुल टू देम and we have to take care of them. अगर हम नहीं करेंगे एक दूसरे का ख्याल, तो कोई बाहर से तीसरा आदमी नहीं आएगा हमारा ख्याल करने के लिए. So we have to be self-sustained और self-supporting. आपस में एक मुट्ठी की तरीके से रहना है हमें, बजाय इसके कि हर आदमी एक अपनी डेढ़ ईंट की मस्जिद खड़ी करके और अलग हो जाए. तो इट्स इजीली ब्रेकेबल, यू नो. लेकिन अगर एक मुट्ठी है तो उसको खोलना जरा चैलेंज की बात होती है. तो हमें आपस में यूनिटी और इत्तेहाद की जरूरत है. और जो मैंने लीडरशिप की बात की थी रेहान भाई, आपका क्या ओपिनियन है इसके ऊपर, कि डू वी हैव द राइट लीडरशिप राइट नाउ इन पाकिस्तान दैट कैन टेक अस टू द नेक्स्ट लीप, या देयर हैज टू बी सम सॉर्ट ऑफ चेंज. देखें, लीडरशिप का काल प्लैनेट में है, और आप अमेरिका को ले लें, आपके सामने है कि इस वक्त कौन प्रेसिडेंट बना हुआ है अमेरिका के अंदर, राइट. तो इट्स अ ग्लोबल प्रॉब्लम, और उसके प्रॉब्लम का रीजन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, कि जितने भी लीडर्स हैं वो आईटी को नहीं समझते हैं.
और ना समझने की वजह से वो उससे एम्पावरमेंट ना खुद ले रहे हैं ना अपनी कौम को दे पा रहे हैं. और एक जो डेटाबेस फेसबुक के पास है वो गवर्नमेंट अमेरिका के पास भी नहीं है. यू नो, अमेरिका की गवर्नमेंट को खुद अपने प्लेटफॉर्म नहीं बना के दे सके अपने सिटीजन्स को देने के लिए कि आप आपस में हमसे बात कर लें. आज भी कोई अमेरिका की ऐप नहीं है कि आप हमसे बात कर लें. कोई बिकॉज देर इज नो विजन फॉर इट. दे डोंट इवन अंडरस्टैंड के आप बात क्या कर रहे हैं. दुबई हैज मेड इट, सिंगापुर हैज मेड इट. देर स्लो, रिलेटिवली स्लो, बट बिकॉज देर स्मॉलर प्लेसेस दे कैन एक्सपेरिमेंट मोर. तो अभी तक हमारे मुल्क में हमने प्लान भी नहीं शुरू किया कि हमने ग्लोबलाइज हमने आईटी के साथ क्या करना है. मेरी जाती ख्वाहिश ये है कि जिस तरीके से हमने जैनब के लिए हर फोटो लगाई है, बच्चे ने हर बड़े ने, उस तरीके से अगर हम अगले 3 हफ्ते 4 हफ्ते हुकूमत को प्रेशर डाल के फोर्स करें कि आप शाहिद खाकान अब्बासी इंतहा से ज्यादा अच्छे इंसान है, उनकी टीम जो है इंतहा से ज्यादा अच्छे इंसान है. लेकिन अच्छा इंसान होने का मतलब ये नहीं है कि वो आईटी को भी समझते होंगे, वो एयरलाइन को समझते हैं, वो चीज़ों को समझते हैं. लेकिन अगर आपको मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बना दूं ना तो भी आप भी नहीं कर सकेंगे. वजह यह है कि पूरा सिस्टम जो है उसमें चैलेंज है. और अगर आपको समझ आ भी गया तो जो आप जिस पे ट्रस्ट करते हैं उसको समझ नहीं आएगा, तो वो आपके वो होने नहीं देगा. क्योंकि इट्स स्लो. It's just it's slow process because it's how it is. It's how it's designed. It's just old. तो जब तक हम IT को घुसा नहीं देंगे लोगों के अंदर, जो हम करने की कोशिश कर रहे हैं कि आम ठीक है, हुकूमत नहीं चेंज हो रही, कोई बात नहीं, जो हुकूमत के अंदर काम करने वाले हैं, लोग हैं, उनको चेंज कर दें, उनके दिमाग को तेज कर दें, उनको ग्लोबलाइज कर दें, उनको अच्छी चीजें दिला दें, उनके पीयर्स उनके ऊपर प्रेशर डालें. तो मैं मिनिस्टर्स को कनेक्ट करके कोशिश करता हूँ कि उन जैसे जो मिनिस्टर दूसरे दुनिया में रहते हैं, दूसरे मुल्क में रहते हैं, उनकी दोस्ती उनसे करवाऊं, जाके वो उनसे सुन सकें कि ये अच्छी बात है. मुझसे नहीं सुने क्योंकि मुझ पे वो भरोसा नहीं करते, मुझको नहीं जानते, लेकिन वो अपने पीयर को जानते हैं, वो अपने कोलीग्स को जानते हैं, वो अपने कोलीग पे ट्रस्ट करेंगे. बाज़ औक़ात ये होता है कि हम अपने आपका बेटा आपकी बात नहीं सुनेगा, आपके दोस्त की बात सुन लेगा, या आप अपने बेटे की बात नहीं सुनेंगे, आप अपने बेटे के दोस्त की बात सुन लेंगे. तो दिस इज हाउ you know this is sociology in general and you know psychology general ke hum kuch kar nahi sakte. aaj bhi hukumat hai america bhi kuch change karna chahe to kuch kar nahi sakti kyunki it will take time. it's an old system which is going to go away. so in my opinion there is a politics 3.0 going to be coming very soon. 5 years from now, 10 years from now we will start seeing new kinds of politics on the planet. And जो भी इन टूल्स को सही इस्तेमाल करेगा, he will become a global leader. And you don't need a title. आपके यहाँ के एक speaker हैं, his name is Robin Sharma. You know, he wrote a book, Leader Without a Title. तो in future, leaders are going to be without title. Today, Bill Gates is a leader, Zuckerberg is a leader. आज अगर Zuckerberg कोई चीज़ announce करता है, सारी दुनिया उसकी बात कर रही होती है. आज अगर वो जो ज़करबर्ग और बिल गेट्स और एलन मस्क 3 स्टेटमेंट दे दें कि ये होना चाहिए, तो हुकूमत गौर से सुनेगी या पूरी दुनिया की हुकूमत गौर से सुनेगी. बिकॉज दे आर द ग्लोबल लीडर्स इन दैट स्पेस एंड वी हैव दैट अपॉर्चुनिटी टू बिकम अ लीडर इन आवर ओन स्पेस. तो बजाय इसके कि हम उसके किस तरह होगा कि हम ग्लोबल सोचें और छोटा एक्शन लेना शुरू कर दें कि हमारा ग्लोबल विजन ये है और हम एक्शन लेना शुरू कर दें. बॉर्डर हमने अपने दिमाग में इतने स्ट्रॉन्ग बनाए हुए कि हम ज्यादा बड़ा सोच नहीं पाते. हम अपने मोहल्ले से बाहर नहीं निकल पाते, शहर से बाहर नहीं निकल पाते, मुल्क से बाहर नहीं निकल पाते, दुनिया से बाहर नहीं निकल पाते. वो मार्स के ऊपर जाने की बातें कर रहा है, मार्स के लिए रॉकेट बना रहे हैं, हम कह रहे हैं वो यार लियारी में क्या होगा. तो इट्स आवर ओन मेंटल ब्लॉकेज जिसकी वजह से हम ग्रो नहीं कर पा रहे. तो personally speaking, all these politicians who are staying where they are amazing, beautiful. But pharmaceutical ke ek expert ko KPK ke andar humne education ka minister banaya hua hai. Why? What has he got to do with education? Wo 2 saal mein 3 saal mein seekhenge, uske baad wo deploy karenge. Lekin uski wajah kya? Uski wajah ye hai ki Imran Khan ya unki team ke paas trustable log nahi hai.
आज जो वो दूसरी 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 पार्टियों से लोग तोड़ के लाते हैं उसकी वजह क्या है? इलेक्टेबल लोग नहीं है, लोग हैं ही नहीं, आप कहाँ से लेकर आएंगे? मुझको एक बहुत सीनियर पुलिस ऑफिसर ने कहा, रेहान भाई मुझे कहीं ओमान में या कहीं जॉब दिलवा दे. तो वी डोंट फील दैट वी बिलोंग, वी डोंट हैव द सेंस ऑफ यू नो, खौफ बहुत में रहते हैं, हमारी फजा में खौफ है. बच्चे मोबाइल फोन पे बात करते तक, आज जो दूसरा बच्चा बात कर रहा था, पता नहीं आपने सुनी नहीं सी, कि जी मैं मोबाइल फोन पे बात करता हूँ, आप मोबाइल फोन से वीडियो बना रहे होते हैं, पाकिस्तान में भी आपके साथ तो दो दो पुलिस वाले होंगे, गार्ड होंगे. भाई मेरे साथ कोई नहीं होता, मैं मोटरसाइकिल पे फिर के जा रहा होता हूँ दूसरों के साथ, जिस तरह आम आदमी जा रहा होता है. लेकिन आप अपने अपने दिमाग में, हमने खौफ की फजा में रहते हैं. जैसे कि आपने कल कहा कि मीडिया कैनेडा में भी गड़बड़ होती है, न्यूयॉर्क में भी गड़बड़ होती है, बच्चे वहां भी मारे जाते हैं, वहां भी कत्ल गारतगरी होती है, हम इस तरह रोना पीटना नहीं करते. ये तो हमारे मुल्क में इंतहा से ज्यादा मीडिया को आजादी मिली हुई है, जिसकी वजह से ये अजीब व गरीब मुल्क बन गया है. और कोई किसी के हाथ में नहीं है, कि कोई कंट्रोल नहीं है कि कोई कंट्रोल कैसे करे. बिल्कुल. सो देर आर लॉट्स ऑफ चैलेंजेस आई थिंक इन आवर कंट्री इन जनरल. आई एम वेरी होपफुल बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी. मैं कोई मेरिकल एक्सपेक्ट नहीं कर सकता. अगर आप महातिर मोहम्मद को भी पाकिस्तान में लाके बिठा देंगे तो वो कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि ओवरनाइट कोई भी चीज चेंज नहीं हो सकती, नहीं होगी. बट टेक्नोलॉजी जो है ना, वो एक ऐसी चीज है जो हमारे अंदर ब्लड की स्ट्रीम में घुसती जा रही है. हर एक, जैसे मुझसे किसी ने पूछा, मैं हर एक से सवाल करता हूँ, आप तीन काम क्या करेंगे प्राइम मिनिस्टर बन जाए तो उन्होंने झट वो बेनजी जुल्फिकार अली भुट्टो के सेक्रेटरी थे, उन्होंने मुझसे पूछा, तो 40-50 साल से पॉलिटिशियंस के साथ थे, मुझसे उन्होंने पूछा. मैंने कहा मैं सबसे पहले काम ये करूंगा कि नई लॉ पास कराऊंगा कि हर पाकिस्तानी एक मोबाइल फोन खरीदने के लिए स्मार्टफोन, उसको अगर लोन चाहिए तो मैं उसको लोन दे दूंगा. क्या आपके ऊपर ये जिम्मेदारी, आपने इतने बिलियन के लोन लिए, एक लोन और से आप आम पाकिस्तानी को भी दें कि 10,000 रुपए का मैं आपको लोन दे रहा हूँ, आप फोन खरीदने के लिए हर साल 18 महीने बाद एक नया फोन खरीदने के लिए हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से पैसे ले सकते हैं, उसके ऊपर आप बेसिक फेसबुक फ्री चलता है, बेसिक गूगल फ्री चलता है, बेसिक विकिपीडिया फ्री चलता है. बिल्कुल. दूसरा काम मैं ये करूंगा कि इश्तिहार की कैंपेन चलाऊंगा कि आपने फाइवर पे पैसे कमा सकते हैं, आप ऑनलाइन, आप एडएक्स पे पढ़ाई कर सकते हैं, आप कोर्सेरा पे पढ़ाई कर सकते हैं, आप यूट्यूब पे पढ़ाई कर सकते हैं, आपको कॉलेज स्कूल की परेशानी बिल्कुल आप अपने दिमाग से निकाल दें, आपके पास मोबाइल अब आ गया है, अब आप उठाएं और फाइबर पे जाएं और काम करें. पाकिस्तानी को ये पता चल जाए कि ऐसे पैसे बनते हैं, या दुनिया के किसी को भी पता चल जाए कि ऐसे पैसे बनते हैं, तो वो खुद ही सीख लेता है, रास्ते खुद ही निकाल लेता. बिल्कुल बिल्कुल. उसको सिर्फ बताना है कि ये 100 लोग हैं, ये 50 लोग हैं, इन्होंने फाइबर पे बैठ के $1,000 महीना के बनाए, बस वो उसके खुद ही चमड़ जाएंगे और चिपका देंगे. ये ऑफर मैंने सिराजुल हक को भी दी थी कि मैं आप एज अ, उस वक्त वो फाइनेंस के मिनिस्टर थे, मैंने कहा आप सिर्फ $1 million के बिलबोर्ड लगा दें अपने केपीके में कि हर यूनिवर्सिटी के बाहर के बच्चों ये वेबसाइट है, यहाँ जाके तुम काम कर लो, और अपनी फोटो लगा दें, क्योंकि लोगों को आप पे भरोसा है, लोग आपको मोहब्बत करते हैं, आपको आपकी बात को भी मानते हैं. मेरी बात को नहीं मानेंगे, मुझे नहीं जानते. बिल्कुल. तो नहीं समझ में आई, बट आज भी अगर हम ये काम कर दें कि हम लोगों को अवेयर कर दें कि भाई आप फाइबर पे जाओ, जिस तरह सिद्दीक भाई ने अवेयरनेस फैलाई, उनको हर एक से जाके वो मिले, उन्होंने बताना शुरू करा, तो उन्होंने 2-3 साल में जो जो काम किए हैं अब वो रंग ला रहे हैं, थोड़े थोड़े से लोगों ने सीखना शुरू किया है, वो लोग सामने भी आ रहे हैं, गवर्नमेंट भी सीरियसली ले रही है. टेक्स टाइम. बिल्कुल. बट आप ये दो काम कर दें, और जितनी कम से कम हो सके गवर्नमेंट से के अंदर से आप अपने यू नो प्राइवेटाइजेशन कर दें और कंपटीशन अरेंज कर दें. एक को नहीं बेचना, वरना आप कह रहे हैं कि जी मैं PIA को बेचूंगा और वहां पे जो न्यूयॉर्क का होटल है उसको बेच के बिल अदा करेंगे, तो ये जुल्म है. हमें उसको तोड़ के 5 टुकड़े बनाने चाहिए कि भाई 5 जहाज आप ले लें, जैसे बेल के साथ किया था, मामा बेल के साथ किया था. टेलीफोन की हजारों कंपनी बना दी, 3,500 अमरीका में कंपनी है टेलीफोन की, एक कंपनी. So that's how you create competition and eventually, you know, things change. हम कहते नहीं, हम ही करेंगे सब काम, क्योंकि उसमें थोड़ा सा थोड़े से बोल्ड स्टेप्स लेने पड़ते हैं ना. 50,000 लोगों को नौकरी से कैसे निकालेगी गवर्नमेंट, वो हाउ वुड दे डू इट? इट्स वेरी वेरी चैलेंजिंग. और लोग खुद ही, वही लोग प्रोटेस्ट कर रहे होंगे,
वो जो जो काम नहीं करते वही प्रोटेस्ट कर रहे होंगे भाई. मैंने कहा ना कि भाई जिसको काम नहीं करना वो हबीब बैंक की छत पे जाए, वहां से छलांग लगा दे. क्या जरूरत है अपने ऊपर बोझ बनने की? किसी को तो कड़ा, यू नो, यू हैव टू बिकम अ फादर समटाइम, नॉट अ फ्रेंड ऑलवेज, राइट? सो एज अ पेरेंट, एज अ सीनियर पॉलिटिशियन, यू हैव टू टेक अ सीरियस डिसीजन कि जी आप अपने मुल्क के अंदर खोखला रखना चाहते हैं या दो चार दिन के लिए. पढ़े लिखे लोग हैं ना पीआईए के, अगर आपने 50 साल में आपने खा लिया, खूब अच्छी तरह नोच लिया, प्राइम मिनिस्टर को तो गाली देते हैं, और जो स्टूअर्ट हो या दूसरा हो, आप रिजाइन कर देना. क्यों जो ऐसी नौकरी करते हैं आपको अगर अच्छी नहीं लगती है, अगर आपका हुकूमत खराब है तो गो रिजाइन. वी विल इम्पोर्ट अदर पीपल फ्रॉम आउटसाइड. नहीं, रिजाइन भी नहीं करेंगे, हमारी रोजी रोटी लगी हुई है. सो दैट्स यू नो, मुआशरे को वही लोग मिलते हैं लीडरशिप में जैसे हम खुद होते हैं. तो हम फिर लोगों को अच्छा करने के लिए कोशिश करें, लोगों को गाइड कर दें जो हम कर सकते हैं. बाकी कल परसों मैं भी कब्र में चला जाऊंगा, बाकी सब में भी चला जाना. बट आई पर्सनली फील दैट पीपल इन जनरल आर नॉट बैड, दे जस्ट डोंट नो व्हाट टू डू. 73 के हिसाब से एमएनए एमपीएस मौजूद हैं आज ना, हमारी पॉपुलेशन 1.5 गुना बढ़ चुकी है. बिल्कुल. तो आप अगर हम कहते हैं फिनलैंड का प्राइम मिनिस्टर जो है वो साइकिल पे जा रहा है, पाकिस्तान में अगर पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर साइकिल पे जाएगा तो उसको नोच के खा जाएंगे कि जी मेरा टेलीफोन लगवा दो, मेरी गैस की लाइन लगवा दो, मेरा पानी की लाइन लगवा दो. उनके पास उनका प्रॉब्लम नहीं है तो वो उनकी जान नहीं खाते. तो यहाँ पे कांग्रेस में आराम से मिल जाते हैं, वहां नहीं मिलता इसलिए क्योंकि उसकी जान खा जाते लोग. हर एक 500 मैं सिराज के साथ मैंने 3 दिन गुजारे जब वो मिनिस्टर थे, 250 एप्लीकेशन रोज वो ट्रांसफर की साइन कर रहे थे. मैंने उनको रिक्वेस्ट किया क्यों कर रहे हैं यार खुदा के वास्ते, नहीं ये हमारे वोटर हैं. अरे यार ये वोटर को चूल्हे में डालें, नॉट इम्पोर्टेंट. आप अपना काम करें जिसके लिए आपको सेलेक्ट किया गया, इसकी पूछ होगी आप. करना, बिल्कुल, अगले इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं, वोट मिलेगा नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा यार, नो प्रॉब्लम, अभी का तो काम कर लो. बट ये मसाइल है. नहीं, आपने बहुत सही तरीके से रोशनी डाली रेहान भाई, और ये बिल्कुल ये मसले हैं, और अल्लाह ताला से दुआ है कि ये मसले हल हो जाएं पाकिस्तान के, और हम और आप जो जो कोशिशें कर रहे हैं अल्लाह ताला इनको कामयाब करे और हमें सुरखरू करे कि जो भी हम अपने 2 सेंट्स हम डाल सकते हैं पाकिस्तान को बेहतर बनाने के लिए वो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, और तनदेही से और पूरे सच्चे दिल के साथ हम मेहनत करने में लगे हुए हैं इंशाल्लाह. तो अल्लाह ताला से उम्मीद है कि वो ज़रूर हमें कामयाब करेगा, और जिस तरह भी हम मदद कर सके वही हमारा ओपन मैसेज है सबके लिए कि भाई हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, हमसे जिस तरह की भी मदद चाहिए आप हमें बताइए, और इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे. और पाकिस्तान में जो जो काम हो रहा है अभी, जैसे चमन के इलाके में हमने रेहान भाई को लूज कर दिया, रेहान भाई दोबारा आएंगे इंशाल्लाह, मैं उनको लेकर के आता हूँ. मीनवाइल मैं ये कर रहा था कि समी जो हैं चमन वाला वो बड़ा काम कर रहे हैं, उनका स्कूल है चमन के पास और वो चला रहे हैं उसको, अपने अपने खर्चे पे चला रहे हैं उसको. और समी भाई यू आर डूइंग ग्रेट जॉब. एक चीज़ मैं अर्ज करूँगा आपसे वो ये है कि इफ़ यू आर स्टिल वॉचिंग कि हमेशा अप्रोच जो है वो हमें अपनी पॉजिटिव रखनी चाहिए. दूसरे को बुरा भला कहने से मेरा नहीं ख्याल है कि कोई मसला हल होगा, अलावा इसके कि हम अपने दिल की भड़ास तो हम निकाल सकते हैं दूसरे को बुरा कह करके, लेकिन यू नो अगर हम किसी दूसरे की तरफ उंगली उठाते हैं तो 4 उंगलियां जो हैं वो हमारी अपनी तरफ पॉइंट कर रही होती हैं. तो इसलिए हमेशा हाफ ग्लास फुल वाली अप्रोच रखनी चाहिए मेंटली, ताकि कोई किसी दूसरे को तकलीफ ना हो अपने हमारे पर्सनल ओपिनियन से या पर्सनल राय जो हमारी होती है. पब्लिकली जब आप एक चीज़ शेयर करते हैं किसी के साथ आकर के, किसी की वीडियो में या कोई कमेंट करते हैं, तो वो फिर आपकी अपनी जाती चीज़ नहीं रहती, वो फिर सब के ऊपर अप्लाई होती है वो. तो इसलिए मैं आपसे दरख्वास्त यही करूँगा समी भाई कि अपना पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए इंशाल्लाह, और होप फॉर द बेस्ट, और इंशाल्लाह देर इज़ नो डाउट कि अच्छा होगा. अल्लाह ताला से यही दुआ है कि सब अच्छा हो और हम और आप मिलकर के
सब इसी कोशिश में लगे हुए हैं कि सारा कुछ अच्छा हो जाए। चलिए, मेरा ख्याल है कि काफी बातचीत हो गई है, तो इंशाल्लाह फिर अगले सेशन में फिर किसी और मेहमान के साथ डॉक्टर एजाज कुरैशी फिर हाजिर होगा। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। सलाम अलैकुम।